स्वागत है आप सभी का कैरिस पार्क में। कल 16 अगस्त 2020 को BEO खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है और कल के वीडियो में हमने 1 से लेकर 30 तक सभी के हमने करेक्ट आंसर देने की कोशिश की थी और वह 100% करेक्ट आंसर हैं। आज के वीडियो में हम 31 से आगे के स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 है, मैथ से स्टार्ट हो गया है। यहाँ से एक बढ़ई 6 घंटे में कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में एक कुर्सी और सी 8 घंटे में एक कुर्सी। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? मल्टीप्लाई करेंगे ए 28, बी 24, सी 21 और 21 मल्टीप्लाई 8 करके 168 घंटे हो गए सभी के। तो इस प्रकार से 168 घंटे जब वे काम करेंगे तो वह 73 कुर्सी बनाएंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये रीजनिंग का सवाल है। पहला है बी सी डी एफ जी एच आई के, इनमें 5-5 का डिफरेंट है, प्लस 5 करके आगे की संख्या आ गई। इसी प्रकार से एल में हम जब 5 प्लस करेंगे तो क्यू आर एस यू, तो इसका जो मैचिंग है वह आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता था तो एक्स का जन्म 3 मार्च को हुआ, 1980 को होता है, तो एक्स बाई और एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो बाई के जन्म का दिन क्या होगा? तो इसको जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी शुक्रवार। नेक्स्ट है 34, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नावली के स्थान पर आएगी? तो इसका जो आंसर है अभी नहीं मिल पाया है, तो यदि आपके पास हो तो आप हमें कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट है 35, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4-5 था, यदि ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसका आंसर है डी 35 वर्ष। 36, तो यह है जो सवाल है थोड़ा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है एक्स बराबर 7 आता है, लेकिन इसका इसमें कोई भी ऑप्शन में यह नहीं है, तो या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यह 36 जो क्वेश्चन है इसमें यह डाउट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वृत्त की 2 जीवाएं ए बी सी डी वृत्त के बाह बिंदु पी पर काटते हैं, यह त्रिभुज पी ए सी 50 डिग्री, तो पी डी बी बराबर है। तो वृत्त के अंदर 2 त्रिभुज बने हैं, एक है सी पी ए जो कि 50 डिग्री है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम एक और त्रिभुज बना रहे हैं वृत्त की जीवा करके, डी पी बी, वह कितने होगा? तो यह भी 50 डिग्री होगा, इसके अंदर चक्रीय त्रिभुज बनाकर इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा। नेक्स्ट है, यह 2 संख्याओं का मासापा लासापा क्रम से 21 एवं 84 है और अनुपात जो इसका 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? जब इसको अनुपात में सॉल्व करेंगे, इसका एक्स का मान रखकर हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 84 बी। के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशांत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? 39 का है आंसर बी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? आंसर है बी, ये सभी आय समूह पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। 41, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? इसका जो एम है भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का, वह है 2024, आंसर बी। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? इसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। सेकंड, श्री एन के से इसके अध्यक्ष हैं। सी, आयोग की अनुशंसा 2020-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी। डी, आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर नहीं है वह है ए, बाकी के बी सी डी सभी करेक्ट हैं, क्योंकि जो आयोग का जो गठन किया गया था वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, न कि भारत सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पल्लव शासकों का उनके राज्यकाल के दृष्टिगत रखते हुए कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट
से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए है 4213। नेक्स्ट, सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है शासन और दूसरी तरफ है रानियां। तो चंद्रगुप्त की रानी थी कुमार देवी। जब इसके बेस पर हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा ए 3, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है 45। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो एक तरफ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है संस्थापक। अल हिलाल का संस्थापक ही थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। न्यू इंडिया के थे एनी बेसेंट और संवाद कॉमेडी के थे राजा राम मोहन राय। लेकिन तहजीब उल अख्यालाक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी। सेक 46 है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ हैं रचनाएं और दूसरी तरफ हैं लेखक। तो जिया इसमें सही मिलान करना है जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, अमीर खुसरो और यहिया बिन अहमद सरहिंद। इन्होंने जो रचनाएं थी जब इनको मैच करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह आएगा ए 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट है 47, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। एड्यूस फेजर ने जो आयोग बनाया था वह था पुलिस आयोग। एंटीना मैकडोनल ने बनाया था अकाल आयोग और थॉमसन रॉबसन ने बनाया था रेलवे आयोग। इसके बेस पर हम देखते हैं तो इसका जो आंसर होगा इसका ए 3, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है 48, नीचे दिए गए कथनों को एक और दो से मिलाना है। तो इसका जो आंसर होगा वह कथन ए कथन आर किसके हिसाब से देखा जाए तो बी है। लेकिन इसको कन्फ्यूजन में है इसलिए आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इसका आंसर आपके अनुसार कौन सा हो सकता है। पहला है प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे। सेकंड है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो नीचे जो कूट दिए गए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह केवल एक है कि वे प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे बट बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए थे। विलय का सिद्धांत जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक एक करके सभी राज्यों को विलय कर लिया गया था अपने शासन में, उसको हम बताना है कि किस राज्य को पहले और किसको बाद में किया गया था। तो जो सतारा था उसको 1848 में, झांसी को 1853 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में। जब इसको हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा सी 1, 3, 4 और 2। नेक्स्ट है गन्ने के उचित तथा पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है बी आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री। दो कथन दिए गए हैं और सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, ठीक है। कारण आर इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो कारण तो इसमें कथन ए भी ठीक है और इसका जो कारण दिया है आर वो भी ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 सितंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिजर्व रेपो दर क्रमशः थे। आंसर है सी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय OE औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। या थर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रा स्फूर्ति माप हेतु किया जाता है। सी आंसर है इसका। और जो सेकंड पॉइंट है इसकी गणना आर्थिक एवं सलाहकार का कार्यालय OE के माध्यम से की जाती है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा की जाती है। 55 है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। आंसर है डी नोएडा। 56 का हमें आंसर नहीं मिला है। तो आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। से कौन सा सुमेलित नहीं, एक तरफ जिला है और दूसरी तरफ है लोकप्रिय उत्पाद। तो कन्नौज फेमस है वह इत्र के लिए, बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने और प्रतापगढ़ अमरूद जैली। तो यही आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है अगरिया बैगा भुईया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः निवास करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सोनभद्र। 59 कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है।
तो यह भी थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन में है, इसका ए ऑप्शन लग रहा है। यदि आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो तो आप हमें ज़रूर शेयर करें। 60, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका भी आंसर हम जल्दी बताएंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आगे की वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।